ये देखिए बेहतरीन बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। वहाँ लेह तक जा रहे हैं? लेह तक नहीं नहीं ऊपर टॉप तक। अच्छा अच्छा, कहाँ टॉप कहाँ पर है यहाँ पे? बारह राजा। अच्छा अच्छा, अभी आएगा। ठीक ठीक, आज सुबह आपके 4:30 बजे करीब पहुंचे थे। 4:30 बजे पहुंचे, और उसके बाद फिर हमने अपने फ्रेंड को फोन किया जो यहीं लेह में रहते हैं, और उसके बाद फिर हमें वो इस जगह पे लाया। खूबसूरत जगह बहुत ज़्यादा हमारे भाई साहब। हाँ, ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है हमारे। यहाँ रुके हम, और बहुत अच्छी फीलिंग हमारे साथ, हमारे भाई हैं ये हमारे साथ रहे, और मतलब काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने हमें यहाँ की चीज़ बारे में बताया, अभी थोड़ा हमें मार्केट के बारे में बताएंगे, थोड़ा घुमाएंगे यहाँ पे। और अभी आके हम सीधे सो गए थे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि ज़्यादा घूमना मत, और हमें लग पता भी चला कि क्यों मत घूमना, क्योंकि हमारे सर दर्द कर रहे थे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, तो हाई एल्टीट्यूड पर थोड़ा सा प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिससे क्या करते हैं सर दर्द और क्या कहते हैं वोमिटिंग की फीलिंग हो रही थी। तो हमने रेस्ट किया, तो उससे हमको आराम मिला। अब हम थोड़ा एडेप्ट हो गए, हम सुबह से सो गए थे हम, उसके बाद अभी उठे हैं। अभी कितने, अभी 2:30 बजे ना? हाँ, 2:30 बजे। अभी हम थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो के अभी हम सोचेंगे थोड़ा लेह मार्केट घूम लेते हैं अभी, तो मार्केट के निकलेंगे। और ये हमारे पंकज भाई हैं जो यहाँ में घुमाएंगे, बताएंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। और आज हम मार्केट घूमेंगे, कल यहाँ से देखते हैं कल का हमारा सफ़र कहाँ रहता है। फिलहाल हम आज लेह मार्केट घूमते हैं। हमारे गाड़ी चेक करके आ गए हैं। पंकज जी, आप क्या कहेंगे, आप कैसा आप फील कर रहे हैं? सुबह थोड़ा सर दर्द होने लग गया था, मेरे भी हो रहा था, सबके हो रहा था, चारों के थोड़ा सर पेन कर रहा था, अभी थोड़ा मैं फील गुड कर रहे हैं। देवताला जी, आप रेडी हैं? रेडी हैं तो चले फिर आगे को, चलिए लद्दाख घूमते हैं। पूरा मार्केट होगा ना, हमें भाई ने हमें आपके जो लेह मार्केट है वहाँ छोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाओ, आप जहाँ जहाँ घूम सकते हो, उन्होंने 2-4 जगह बताई, वहाँ जाएंगे हम। और हमारे जो गैंग है निकल चुकी है अभी आप लेह के मार्केट में, और इसके बाद हम आगे को जाएंगे। कहाँ जा सकते हैं? तो लेह मार्केट घूम रहे हैं, सबसे पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि भूखे हम कुछ खाए नहीं है, बाकी हमने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खाते भी हैं, उसके बाद फिर आगे को निकलेंगे। शाम के 5 बजे होंगे ना, अभी अभी घर में देखें शाम के 5 बजे हैं, और यहाँ देखो लगता है 2-3 बजे होंगे दिन के, तो इतना अंतर दिख रहा है अभी। देखो अभी हम थोड़ा, हमारे दिनेश देवताला जी को चाय पीने की तलब लगी थी, तो उन्होंने कहा कि चाय पीते, तो तलवी इंसान है, चाय पीने की बहुत तलब लगती है। तो हमारे जो देवेंद्र सर को ये दिखा, उनको कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो पंकज भाई ने कहा कि अच्छा लग रहा है तो चलते हैं वहाँ पर। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं कैफे में, क्या नाम था? हाँ, तो अभी हम नाराज कर दादाज कैफे नहीं है, विद्यालय नाम है। तो हाँ, लालाज कैफे है, लालाज कैफे हम आए हैं अभी यहाँ पे चाय पी के, हम देखते हैं और कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं। मोमो खाए, मोमो तो यहाँ अच्छे बनेंगे, खैर मोमो तो यहाँ बढ़िया बनेंगे, बाकी घूमते हैं कुछ व्यू उस टाइप का दिख रहा है। छत में हम अभी, और ऊपर है आपका लेह पैलेस, ठीक है, यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ, तो यहाँ चाय पी के फिर आगे को निकलते हैं। पैलेस के तरफ कैफे से निकल रहे हैं, वो आगे को जाते हैं, लेह पैलेस का तरफ निकलते हैं, और फिर देखते हैं आगे कैसा रहेगा। तो आपको काफ़ी है, काफ़ी अच्छा, क्या कह रहा है पूरा पत्ते? हाँ, इनको पत्ते, और जो इनको पसंद आ जाता है, देखिए ये पूरी दुकान, अब इसकी जो ऑनर है पंकज थापा है, इसके ऑनर रहेंगे आप। एक गली अकेले जा रही है, गली हमें कहाँ ले जाती है देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जी कहाँ से रास्ता? मेरे ख्याल से यहाँ से होगा, मेरे ख्याल यहाँ से नहीं है, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। पीछे जो व्यू है बहुत खूबसूरत दिख रहा
पंकज जैसे हमने यहाँ की कई कहानियाँ सुनाई हैं जो उनके पूर्वजों ने उनको सुनाई थी। हाँ लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत है, व्यू के लिए कुछ नहीं कह सकते आप, कहानियों के लिए तो एक बार के लिए हम कह सकते हैं। और ये सोच रहा है कि मैं यहाँ का लोकल नहीं देखता, मुझे यहाँ सब पता होगा ऐसा नहीं है। मैंने सोचा क्या था पता हो चलो मैं पक्का बता देंगे लोगों को, बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत अच्छी है। और अभी हमने यहाँ पे एक लामा को देखा है जो अभी बहुत मान्य भिक्षु, बहुत भिक्षु अभी हमने देखे हैं, वो अभी ध्यान में केंद्रित है, बौद्धिस्ट हैं। जैसे आपको बताया गया कि अभी एक ध्यान में जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ लोगों से बात कर सकेंगे, जो लोग अब नहीं रहे हैं उनसे बात करेंगे। और फिलहाल हम यहाँ के एंजॉय करते हैं, व्यू इसके साथ हम सोचते हैं वहाँ पर वहाँ जाएंगे खूबसूरत जगह पर, हम वो पर मॉनेस्ट्री हो ये देखो गन्ने रखे जो नहीं चल रहा है वो गन्ने देंगे करने के लिए, एनर्जी देने के लिए गन्ने देंगे, इसको भी ले जाएगा बीच में यहाँ से रास्ता है। तो तैयार हो आप चलने के लिए? तैयार है, चलिए 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 ठीक है। और पंकज जी आप रेडी हैं? हमारे पंकज और कोशिश रहेगी कि हम ऊपर तक पहुँचे। और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, क्या जगह है सेमो, ऊपर जाना है, चढ़ चुके हैं हमें सिखाएगा। अच्छा अच्छा हमको सिखाएगा, ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं है, है लेकिन ऐसा है कि हम ये दस साल तो दोस्तों जैसा देख रहे हो आप इधर को हाइट काफी है। ये हमारे फौजी सिपाही हैं, ये लोग जा सकते हैं इजीली, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जूम करके, ये देखिए चढ़ रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई खतरा नहीं है। और मैं मेजर जनरल पंकज आपको थोड़ी देर बाद कैंप में पहुंच के रिपोर्ट करता हूं। तो आपने इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ी, आपको थकाई तो बिल्कुल नहीं लगी? क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं लगी, इससे पहले मैंने बता दिया था हमारे तीन साथी हैं जो सैनिक लोग ऊपर वाले काम डालेंगे, बाकी मैं मेजर जनरल पीछे सारे दिन फॉलो करा था, लेकिन इनको कैंप पे जाके मिलता, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ही तेज थी, मैंने रास्ते में पकड़ ली। तो आप 2-3 मिनट में पहुँच गए, पर ये देखिए इतनी ऊँचाई से 3.5 मिनट में पहुँचे हैं हम, चढ़ चुके हैं वो पहाड़ी जो नीचे से देख रहे थे, और अभी हम ऊपर को जाते हैं, ऊपर को निकलते हैं, यहाँ भी ज़रा घूम के आते देखते हैं, लेह का हम आनंद लेंगे। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, देवेंद्र जी ऊपर को चलें क्या? बिल्कुल चलें, हैं यहाँ तक पहुँच गए, हमारा जो लक्ष्य है ऊपर 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 पहुँचना है, बुलंदियों को छूना है। आप तला जी चलो आप Thank you.
और ये देखिए यहाँ पर ये जो लेह पैलेस हम चढ़े थे, अब अंधेरे में ऐसा दिखता है, इसमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भूतिया टाइप। अब आत्माएं आत्माओं का टाइम हो गया होगा शाम के समय घूमने का, तो हम भी उन आत्माओं से पंगा ना लाते हुए अपने रूम की ओर लौटते हैं ताकि टाइमली खाना पी के हम भी सो जाएं और अगले दिन के जो हमारे कुछ प्लेसेस हैं जिनका हमने विजिट्स करना है तो वो हम करेंगे और फिर आपको आगे के लिए हम उससे अवगत कराते रहेंगे कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। ये सिटी है देखिए, रात के समय अपने रंगों से अद्भुत समा बाती हुई ये लेह सिटी आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम पैलेस से नीचे शहर की ओर को जा रहे हैं और ये जो यहाँ पर है बिल्कुल अंधेरा है, इस रास्ते पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो हमको कैमरा चला के कैमरे की लाइट का यूज़ करके नीचे को उतरना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी एक अपना ही एक्सपीरियंस है। लाइट होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ वैसे अगर कुछ लाइट्स होती यहाँ पर तो बहुत बढ़िया रहता। बाकी लेकिन नाइट में मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ भयानक आत्माएं आ जाती होंगी, इसलिए वहाँ मुझे कोई दिखा नहीं, इस वजह से लोग टाइमली अपने घरों को चले गए क्योंकि एक बहुत ही पुराना ये महल है तो हो सकता है यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हों जो आप पे अटैक भी कर सकती हैं, तो इसलिए लोग टाइमली अपने घरों को चले जाते हैं। तो देखिए हम ये आपको रास्ता दिखाता हूँ, व्यू व्यू तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको पहले भी, आपको